A very good morning and Jai Hind, my dear students. Today we are going to do the book work of shapes and patterns. So everybody take it out, page number 139, and let's start doing with me. Okay, keep your pencil colors with you. Okay, so let's start. All right, so first of all we need to do the warm up exercise. And the question is, color red the shape made of straight lines, color green the shapes made of curved lines. So you have to color here red and green. So पहले हम red करेंगे. Color red the shape made of straight line. Straight line means like this and curve means ऐसे. So हमें अभी इसमें से ढूंढना है कि कौन कौन सा straight line वाला figure है. This is straight line figure. Then this is also straight line figure and we have this also straight line figure. So we need to color it with red. So take your pencil colors and color it like this. Just color it properly, students. You need to color it with the red color. All right, this will be red, this will be red. All right, so let's do it fast, everybody. I'm also doing so that you can do it with me. Okay, okay. And then last one, this arrow, the symbol, right? So color it properly, everyone. Now we need to color green where is curved lines, right? जहाँ जहाँ curved lines दिख रही है वहाँ पे हमें क्या करना है? Green color. So now I'm going to choose a green pen over here, and then I will be doing. Okay. Now green. So this will be green flower. You need to do this flower green because it is curved shape. Curve means thoda round. Okay. This is also curved. This is also curved. So color it, students, like this. All right. So did you understood that which is curved and which is straight? Straight means to सीधी लाइन है एंड कर्व मीन्स जो घूम के आता है लाइक दिस दिस और हल्का सा भी कर्व हो सकता है. चलो आफ्टर डूइंग क्वेश्चन नंबर वन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर टू. टिक द शेप दैट विल कंप्लीट द पैटर्न. नाउ यू हैव टू पुट अ टिक मार्क हियर जो पैटर्न कंप्लीट करे. लाइक फर्स्ट वन इज ऑलरेडी गिवन. सी पहले क्या दिया, रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल सर्कल. सो यहाँ पे क्या आएगा, रेक्टेंगल्स एंड यहाँ पे रेक्टेंगल पे टिक लगा है. ओके, सो यू हैव टू सर्कल हियर इन दीज. ओके, यू हैव टू सर्कल हियर, यहाँ पे करना है सर्कल. ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल. सो हियर विल बी ऑल्सो द रेक्टेंगल सर्कल हियर. यहाँ पे देखो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, वहां पे टिक करना है. इफ यू वॉन्ट यू कैन पुट अ टिक मार्क ऑन द अबव ऑल्सो, बट उसके बगल में स्पेस दी है सो यू कैन पुट अ टिक मार्क देयर. नेक्स्ट हियर इट इज अ स्क्वायर, इट्स लुकिंग लाइक रेक्टेंगल हियर बट इन द बुक दिस इज स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर हियर विल बी रेक्टेंगल. सो ग्रीन वन. And in last, it's not visible here, so let me draw over here. Last is, I'm drawing here, square, circle, triangle, फिर again square, circle, so यहाँ पे क्या आएगा, triangle. So put a tick mark on triangle, okay? यहाँ पे ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल के बगल में जो सर्कल है वहां पे टिक करना है. डन, पेज 139. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 140. हियर सॉलिड शेप्स आर गिवन. यू नो व्हाट इज बेसिक शेप, व्हाट इज सॉलिड शेप, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. सो हियर आर सम सॉलिड शेप, क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर कोन एंड स्फीयर. राइट द नेम ऑफ ईच शेप. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और उन शेप के नेम लिखने हैं. नाउ दिस कैन, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की कैन होती है, इसका कौन सा शेप होता है, सिलेंडर. वी हैव स्टडीड दिस, सो इट इज
सिलेंडर शेप. नेक्स्ट इज बॉल. बॉल किन से शेप की होती है? यस, ऊपर आपको सारे शेप्स दिए ना, यू कैन सी आइडेंटिफाई देयर. यस, इट्स स्फीयर, राउंड. नेक्स्ट वी हैव दिस बर्थडे कैप. बर्थडे कैप कौन सा शेप होता है? दैट इज कोन. वी हैव स्टडीड दैट ऑल्सो. नाउ इट्स अ बॉक्स. ये स्क्वायर बॉक्स है, तो स्क्वायर कौन सा होता है? क्यूब, राइट? डन एवरी वन दिस क्वेश्चन? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. लर्निंग बाय डूइंग. टेक अ बुक एंड इरेजर, अ डाइस एंड अ प्लेट. प्लेस ईच ऑब्जेक्ट ऑन पेपर एंड ड्रॉ अराउंड इट. मैच दीज ऑब्जेक्ट विद द फ्लैट शेप यू गेट. अगर हम बुक ड्रॉ करते हैं, वी विल गेट द रेक्टेंगल शेप. दैट इज ऑलरेडी डन फॉर यू. नाउ दिस प्लेट, प्लेट कैसी आएगी? सर्कल. डाइस, डाइस विल बी योर स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर. देन योर इरेजर विल लुक लाइक रेक्टेंगल. सो मैच इट प्रॉपरली. नाउ आफ्टर डूइंग दिस, कलर द शेप दैट यू सी इन दीज ऑब्जेक्ट. अब ये राउंड दिख रहा है तो कौन सा शेप हो गया? सर्कल. आपको उसको कलर करना है. यू कैन यूज एनी कलर. नेक्स्ट क्रेयॉन. क्रेयॉन आपका स्क्वायर बॉक्स जैसा होता है, सो यू विल कलर द स्क्वायर बॉक्स लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल. ये जो ये होते हैं क्या, एनवलप. एनवलप कौन से शेप के होते हैं? रेक्टेंगल. सो कलर रेक्टेंगल. नेक्स्ट आइस. आइस कैसा होता है? क्यूब होता है ना. क्यूब में कौन सा शेप यूज होता है? स्क्वायर. सो कलर स्क्वायर शेप. नेक्स्ट वी हैव कुकीज. कौन से शेप की कुकीज है? ट्रायंगल शेप की, राइट? यू कैन सर्कल यहाँ पे इसको ऐसे करके शेप में कलर फिल करना है. ओके, ऑलराइट. सो द सॉलिड शेप है फ्लैट शेप हिडन इनसाइड देम. यस, यहाँ पे पूछ रहा है क्या उनके अंदर हिडन होते हैं शेप? यस देयर इज. आपको देखा जाए तो क्यूब जो है, क्यूब यहाँ पे देखो, क्यूब जो है किसको रिजेंबल करता है? स्क्वायर को, राइट? क्यूबॉइड किसको रिजेंबल करता है? रेक्टेंगल. कोन ट्रायंगल की तरह थोड़ा सा होता है. स्फीयर, सर्कल. एंड सिलेंडर थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल से सिमिलर है. सो इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम, बट थोड़ा थोड़ा. सो इट रिजेंबल्स. इट इज आस्किंग क्या रिजेंबल करता है? यस, रिजेंबल करता है. नाउ हाउ मेनी कॉर्नर्स एंड साइड्स डू दीज फ्लैट शेप हैव. कितने साइड और कितने कॉर्नर हैं? दैट वी नीड टू राइट हियर. फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन. स्क्वायर हैज फोर साइड एंड फोर कॉर्नर्स. रेक्टेंगल हैज हाउ मेनी कॉर्नर्स? फोर कॉर्नर्स, यू कैन सी विद अ पिंक डॉट. एंड हाउ मेनी साइड? फोर. नाउ ट्राइंगल, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, वी आर जस्ट रिवाइजिंग हियर. ट्राइंगल हैज हाउ मेनी कॉर्नर? थ्री कॉर्नर्स. हाउ मेनी साइड? थ्री साइड्स. नेक्स्ट सर्कल हैज जीरो कॉर्नर एंड जीरो साइड्स. या आप नो भी लिख सकते हो, नो साइड्स या जीरो. इट्स योर विश व्हाट यू वांट टू राइट. ओके, हाउ मेनी नंबर पूछ रहा है तो यू कैन राइट जीरो. ओके, इट्स वेरी इजी. यू कैन राइट जीरो ओवर हियर. सो लेट्स राइट जीरो. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव लर्निंग बाय डूइंग, राइट? दिस इज कीप ऑल योर नोटबुक्स वन ऑन टॉप. ढेर सारी हमने जब कॉपीज रख दी एक दूसरे के ऊपर, टॉप ऑफ द अदर, दे शुड ऑल बी इन द सेम साइज. सारी कॉपी जो आपकी सेम साइज की, आपने एक के ऊपर एक रख दिया, तो कौन सा शेप बन जाएगा? व्हाट शेप डू यू गेट? कौन सा शेप मिलेगा हमें? वी विल गेट अ क्यूबॉइड शेप, राइट? वी विल गेट अ क्यूबॉइड शेप. क्योंकि वो कैसा होता है, स्क्वायर शेप की कॉपी होती है, अरे सॉरी, रेक्टेंगल शेप की कॉपी होती है. सो वो हर एक रेक्टेंगल मिलके क्या बनेंगे? क्यूबॉइड. नेक्स्ट, ask your parents to give you 1 rupee coin and 2 rupees coin. Keep all the coins one on top of the other. एक दूसरे के ऊपर सारे coins जब हम इकट्ठे रखते जाएंगे तो कौन सा shape बनेगा? It will become a cylinder shape, right? Now take 4 dice, ठीक है? 4 हमने dice ले लिए from your ludo game. Keep them joined together. चारों को हमने join कर दिया, ठीक है? Then place 4 more dice on one top. उसके ऊपर फिर 4 और रख दिए.
What shape do you get? यहाँ पे कौन सा शेप हमें मिल रहा है? You can see here, we will get again a cube shape. क्योंकि ये देखो आप सारे join हो गए, right? So write it down. And then we are going to do the last page, that is roll or slide. What is roll? What is slide? I'm going to tell you. Now, roll means, let me explain you first. Roll का मतलब होता है कोई चीज, जब अगर बॉल हम खेलते हैं तो बॉल क्या है, रोल करके जाती है, एक जगह से दूसरी जगह रोल होती हो जाती है. जब हम झूला झूलते हैं, सो वी यहाँ पे अगर बैठे हैं तो हम यहाँ पे स्लाइड करके जाते हैं. सो राइट, सो कुछ चीजें स्लाइड करती हैं, कुछ चीजें रोल करती हैं. ओके, बेसिकली रोल क्या करते हैं, जो कर्व्ड होते हैं, है ना. एंड स्लाइड क्या करते हैं, जिनके स्ट्रेट सरफेस होते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स डू इट. नाउ लर्निंग बाय डूइंग. टेक अ बॉल, पुश इट. ओके, हमने एक बॉल लिया, बॉल को जब हम यूज करेंगे, मान लो अगर ये बॉक्स है, हमने इस पे बॉल को रखा, तो क्या होगा, बॉल ऐसे रोल करके जाएगी. डज इट रोल और डज इट स्लाइड? यू कैन डू इट बाय योर ओन, इट विल रोल. क्या होगा, रोल. टेक अ डाइस, डाइस लिया. अब डाइस को अगर हम इस पे रखेंगे और फिर उसको पुश करेंगे, डज इट रोल और डज इट स्लाइड, वो क्या होगा, स्लाइड होगा, बिकॉज इट हैज अ स्ट्रेट सर्फेस. नाउ टेक अ बर्थडे कैप. बर्थडे कैप कैसी होती है, बहुत ही लाइट होती है, नीचे कर्व्ड होता है, ऊपर स्ट्रेट होता है. तो डज इट रोल और डज इट स्लाइड, और डज इट बोथ रोल और स्लाइड, क्या दोनों करेगी? यस, इट विल डू बोथ, क्योंकि उसमें कर्व्ड भी है, राइट. कौन कैसा शेप का होता है, लाइक दिस, सो इट हैज स्ट्रेट ऑल्सो एंड कर्व्ड ऑल्सो. सो वो क्या करेगा, वो दोनों करेगा. Now we have the next activity. Now try rolling or sliding the following objects. Pick the object that roll, put a cross against the object that slide, circle the one that can both roll or slide. ठीक है, अब हमें क्या करना है, रोल क्या कर सकता है और कौन सा स्लाइड कर सकता है. टिक करना है हमें जो रोल करते हैं. टिक का निशान कहाँ लगाना है, जहां पे रोल होगा. क्रॉस का कहाँ लगाना है, जो स्लाइड करेगा, राइट. और सर्कल द वंस दैट कैन डू बोथ. और सर्कल किसे करना है, जो ऑब्जेक्ट दोनों करेंगे. ओके, रेडी, सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स रोल एंड व्हाट थिंग्स स्लाइड. रिमेंबर दैट शेप क्यूब, राइट, क्यूब, क्यूबॉइड, दे ऑलवेज स्लाइड, दे ऑलवेज स्लाइड बिकॉज दे हैव अ फ्लैट सर्फेस. Now, what things roll? A round shape, circular shape, sphere shape, that only rolls, right? Now, if we talk about cone and cylinder, right? You have studied solid shape. Now, if we talk about cone and cylinder, they roll as well as they slide both. Now, I have few items with me. I'm going to show you that how it rolls, how it slides, and which thing slides and which things roll. So now, first I have taken a pin. Now see, it has a cylindrical shape. So let's see, does it roll, slide or both? Okay, so now I'm leaving it. You can see it rolled and it also slide also. You can see it always roll and it slide also. So this is pen. If I take a pencil, that also, it also roll and slide. You can see once again, it rolls and slides. Now, if I take a scale, so now it's a flat surface it has. So, it will always slide. It will always slide. I'm showing you like this. It will always slide. Right? Now, I have a dice, a small dice. So, it might be not visible to you. So yes, it's a small dice. Now a dice means it's a cube shape. So now see, does it roll or slide? So a cube slides. Now I have this cello tape. You can see it has a circular shape, okay, from here, and from this side it's a flat, right? So from the flat side it will slide.
and from the round shape it will roll. So whenever there is cylindrical shape, it always roll and slide. Now I'm showing you coin. It's a coin. So from a flat surface, if I'm keeping, it will always slide. Now if I keep it like this, it will roll, right? Next I have this sharpener. The sharpener will always slide. Why? Because it has a flat surface. Now I have a cube, this box. I'm keeping it here. It will slide. It will always slide, right? Next I have this circular cream. It has one flat surface, one curve. So from a flat surface, if I keep it here, it will slide. But if I keep it like this, from a round one, curved one, it will roll. So it does both. Now I have tomato with me. I have one tomato with me. It has a sphere shape. So it will always roll. It will always roll. Now if I take an example of glass, if I keep it from this side, so it will slide. It will slide. But from a round shape, it will roll. Okay. Now one more. I have one this cylindrical shape. It will roll from here and it will slide from here. Now if we talk about specs, agar specs ki baat kare, so it will slide. Okay. So I hope it is clear to you all what things roll, what things slide. So let's continue the topic. Okay. So now in this activity, what we have to do, we need to put a tick mark. Hume tick kis pe lagana hai? Which only rolls, right? And we have to put a cross when only it slides, and we have to put a circle when it roll and slide both. Okay, so first of all, first is crayon. Crayon, pencil और pen के shape का था, you have seen, it rolls and slides both. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से roll और slide दोनों करेंगे. So put a circle to crayon. Next, I have shown you this 5 rupees coin. It also roll and slide, right? Next we have box. मैंने box भी दिखाया था, it always slide. तो slide के लिए हमें क्या करना है? Cross. Okay, do that. Next is specs. I have shown you it will always slide, so put a cross. Book always slide because it has a cuboid shape, flat surface. Now bottle, when we are talking about bottle, see, bottle cap rolls. Now can rolls, and from a flat surface it can, from the flat surface from here and here it can slide also. So you can put a circle over here, it can do both. Okay, so next we have this top, लट्टू जिसे कहते हैं, ठीक है? लट्टू क्या करता है? घूमता है, right? So it has a shape of cone. आप ये देख सकते हो, आपका जो top होता है वो ऐसा shape का होता है ना, right? So it has a, from here if we put it, it will slide. And अगर हम यहाँ से रखते हैं तो it will roll. So ये दोनों ही करेगा, roll and slide both. But if we talk about this watermelon, it will only roll. And if we talk about this suitcase, it will only slide. Okay, did you understood what things roll and what slides? So do it in your book, everyone. All right. So did you understood what things roll and what things slide? So whenever there is a flat surface like cube and cuboid, it will always slide. When there is sphere shape, okay, like tomato, so it will always, like this tomato, potato, orange, all these things will only roll. Okay, now if we talk about cylinder and cone shape, it has flat and curved surface both.
So it will roll also, it will slide also. So be clear about it that these things will roll and slide. You can do this activity by your own at your home. आप कोई भी चीज ले लो flat surface और उसके पे आप slide कराओ. You will get to know कि हाँ कौन सी चीजें roll कर रही हैं, कौन सी चीजें slide कर रही हैं. You can make a list of different varieties of thing कि क्या क्या roll करता है, क्या slide करता है. In your home, कुछ खरीदना भी नहीं है. You have to just make it by your own, right? So by this, our chapter shapes and pattern is completed. From tomorrow onwards, we are going to study the new chapter, right? हम लोग क्या करने जा रहे हैं? New chapter पढ़ेंगे, right? So be ready for that. That is time chapter. So कल से हम लोग time chapter पढ़ेंगे. Be prepared. अपने book work, copy work, shape and pattern की complete कर लो. And then we will start tomorrow the new chapter. All right. Till then. Bye-bye, take care, have a nice day and enjoy your day. Bye-bye.